आपने एक प्रकार से संसार के बीच के में जो है लोग रुपया का जो बात है जिसका एक प्रकार से समझो कि गरीबों की तरफ ख्याल नहीं करके भगवान की खुशामद करे ये तो एक मनुष्य की बात है किंतु भगवान के घर के ऊपर जितना आप गरीब को है इतना पैसा वाला को नहीं है। देखो आपने बताऊं पद्म पुराण की कथा है कि एक समय की बात है और भी पुराणों में है कि एक राजा थे वह राजा को नाम थे चून तो वो भगवान को भगत थे तो पद्मनाभ के वहां जाकर के तीर्थ के वहां अब उस राजा चून ने भगवान पद्मनाभ की जो है पूजा करी बहुत प्रेम से पूजा करी उन्होंने पुष्प चढ़ाया और समझो कि पैसा की जगह रत्न चढ़ाया और भगवान को बहुत बहुमूल गहना चढ़ाया क्योंकि राजा हो तो इस प्रकार से चढ़ाने के बाद में अब अगर मंदिर के वहां आपको बैठ गए भजन ध्यान करने के लिए इतने के बीच के वहां एक ब्राह्मण है बहुत ही गरीब गरीबी ब्राह्मण अब उनको नाम विष्णु दास वो आकर के वो राजा ने जो भगवान को भी जो अपने बहुमूल्य जो रत्न और सुवर्ण और ज्ञान चढ़ाया था वो तो हटा दिया और बंधन पत्र पुष्प कल ये तोड़ के लाते जी का भगवान कैसे चढ़ाया चढ़ाया तो राजा ने मन में गुस्सा आ गए राजा बोले है गरीबी ब्राह्मण एक प्रकार से कहीं का कंजूस तुम बढ़िया बढ़िया जो भगवान के चीज चढ़ाई पड़ी थी रत्न चढ़ा रहा जी का हटा दिया और बन के ना घास फूस पत्ता और ये तोड़ करके फल ला करके ये तू भगवान के चढ़ाया तो वो बोले कि भगवान है जी का तो भक्ति ने देखे और कोई रुपया न बहुमूल ये गाना न हुआ सारे रखा न थोड़े दिखे भगवान के तो वहां जो है ना उनको भक्ति प्रधान है बोले तू तो भगवान को भगत आ गए ना भगत को नहीं गए अच्छा अपना होड करोगे तू किसी भगवान को भगत हो ना तो भगवान तन्ने दर्शन पर आ देगा और मैं भगत लूंगा तो मन दर्शन देगा चलो तो अपना यही आप होड़ लगाओ तो यह बात की होड़ लगा करके और दोनों भगवान की भक्ति के वहां लाग गया लाग गया तो राजा के पास केड़ा रुपया उनको के ठिकाऊ तो राजा मुग्धल ऋषि ने बुला करके कहो कि विष्णु जाग करो जी के मैं विष्णु भगवान एकदम प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए और कितना रुपया खर्च हो जाओ चाहे लाख हो करोड़ हो किंतु भगवान ने अपना प्रकट करके छोड़ना तो बहुत सा विद्वान अच्छा अच्छा ऋषि इकट्ठा हुआ और मैं राजा के वास्ते होम करने से गो राजा जी के काम में लाग गए अब ब्राह्मण देवता गोपाल गरी में तो दरिद्री आदमी मोर पर कैसे तो जग कठिन करनी चाहिए और कैसे आप दान दे तो जग करने दान देने में ब्राह्मण भोजन में मैं कुछ भी नहीं मैं तो आपके रोटियां की तजवीज करी तो कहूँ आप जग करे तो भगवान की मूर्ति थी जो पतले पुष्प ला करके वो तो जंगल से तोड़ना भगवान की पूजा करे और आपके वास्ते रसोई बनावे जिके में से एक रोटी जाकर भगवान के भोग लगा दे और बाद बाकी जो है रोटी आप खा ले ओ काम तो एक दिन की बात है एक प्रकार से वो भगवान की पूजा करी और पूजा करके भगवान के भोग लगाओ भोग लगा करके भगवान की आरती करी इस प्रकार के करने से बैंक काम के मांग लगे इतने में बैंक वास्ते जो आपके लिए रोटी छोड़ कर आओ ना वो कोई चुरा करके ले गए अब चुरा करके ले गए तो पाछे गए तो बोलेगी रोटी को चुरा कर ले गए चोर अब बोले फिर मैं बनाऊंगा तो एक घंटा लाग जाऊंगी तो एक घंटा मैं भगवान की भक्ति ज्यादा करूंगा तो भगवान ज्यादा खुश होगा और एक दिन भोजन नहीं करूंगा तो उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है उस दिन वो बिल्कुल निकोट गए बिल्कुल भोजन करे नहीं क्योंकि वह रोटी पहला बार जी तो चोर ले लो और अब नई रोटी बनाने में एक घंटा लगे तो वो रोटी को नहीं बनाई इसी तरह से आप वहां भजन करते रहे भजन करते हुए कहीं सो गए दूसरे दिन इसी प्रकार से भगवान की पहला पूजा करी और फिर भगवान के भोग लगाओ आरती उतारी और इतने में वह रोटी जो छोड़कर रसोई में आओ तो जिनको वो ही चोर खोल ले दू तो इससे एक प्रकार से वो बोला कि आज के आज से कल भोजन कर रहा है दो दिन में क्यों तीन दिन में क्यों ऐसे सात दिन निकल गया
वो रात और दिन भगवान की भक्ति करे और वो रोटी असत को चूर चूरा कर ले जाओ। सातवें दिन में रसोई में से एक समझो कि बहुत बुद्ध आदमी अपने काले रंग को और समझो कि बहुत ही दुबले पतलो और फटा फुला कपड़ा और वो रोटी लेकर के निकलो तो एक से ये विष्णुवास ब्राह्मण मैंने देख लिये वो बड़े देख लिये तो वो चोर है जिसको देखे तो तुम आप तो पकड़े हुए जरा भागे जोर से भागे तो मैंने गैल गए बोले कि महाराज भागे बना आप बैठ कर भोजन कर लो कोई बात से घबराओ बना किन्तु चोर के शपथ खुद दौड़े दौड़ते दौड़ते जहां पड़ो अब जहां पहुंचना और विष्णुदास पास में जो और आपके पास में जो कपड़े हो जिसके से मैंने हवा गालने लागे पसीनों आगे क्या रखे हवा गालने लागे फिर वो अपना गठ है तो वो आप भोजन कर लो। अब मैं था भगवान तो भगवान आपके असली रूप में प्रकट हो गया असली रूप में प्रकट हो बोला कि मैं तो तेरी परीक्षा ले हो सात दिन का ही तेल मैं चोरी करके ले जाओ तो मैं चोरी क्यों करेगी देखा तू कर पाई संभाली करे कर पाई बर्दाश्त करे तो बर्दाश्त भी कर करके आज मैं तुमने दिखलाई दी कि देखा मेरे पे क्रोध करे या के करे तो तेरे तो बहुत ऊंचे दर्जे को भाव रहे हो इस वास्ते मैं तेरे पर खुश हो गए और तू मेरे परम धाम को चल। इसी पर भगवान शंकर साहब को दीवान मंगा लिए और मैंने दीवान में जीते जी बैठा करके और भगवान मैंने आपके परम धाम में ले जा रहा है तो रस्ते के बीच के हमारे राजा और तो वो होम कर रहे हैं तो मैं राजा जैसे होम कर रहे तो मैं कुंड के ऊपर करके होम कुंड के ऊपर करके और मैंने भगवान ले जा रहा है और वो मुंह काट करके देखे तो राजा चोर मिले के हो इनके भगवान आपको परम धाम में ले जा रहा है और भगवान इन्हें मेरे से पहला मिल गया तो राज कुछ भी नहीं रुपया कुछ भी अब ये मन में करके के अब बोले कि मैं हरगोर बने मेरे पहली दस हो गया तो अब मैं प्राण ला कर क्या करूंगा मैं होम कुंड के जिसके वहां भगवान के नाम पर बैठे कुछ कर तो भगवान के नाम पर कुछ करके भगवान बैठे भी प्रगट हो गया प्रगट होकर के मैंने बोझ लियो कुंड के मैं पढ़ने को नहीं लियो और बोझ करके के और फिर मैंने कह कि भाई मैं तेरे पर भी खुश हो गए फिर एक दूसरे विवाह मनाए मना करके मैं पर भी भगवान एक दूसरे एक रूप से तो मैं साथ में जा रहा है और दूसरे रूप से राजा चोल के साथ में बैठ कर विवाह में और भगवान सपरम धाम में जा रहे आगे तो वो गरीब ब्राह्मण जा रहे और दो नंबर के महाराजा उसे जा रहे कि तो कहने को जो अभिप्राय है कि गरीबों के लिए तो भगवान के घर के ऊपर ज्यादा गुंजाइश है तो हरेक माता भाइयों को भाइयों को यह समझना चाहिए कि भगवान की भगवान के घर के ऊपर जितनी गरीब की इज्जत है इतनी पैसा वाले की नहीं। कोई भाई पूछे कि भगवान ने कि आपका जल्दी से जल्दी दर्शन किया है और आप जो है एक प्रकार से समझो कि कैसे बात करो तो वह बोला कि जो गरीब है दुखी है अनाथ है बेटे मैं विशेष रूप से मैं बात करूं इसलिए गरीब की दुखी की अनाथ की कोई सेवा करे तो मेरी प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाए तो गरीबों की सेवा करने से भगवान और जल्दी ज्यादा है राजी और बैल से भी और ज्यादा जो है सो भगवान को भजन ध्यान करने से पूजा पाठ करने से और ज्यादा खुश हो जैसे अभी आपने मैं उदाहरण दिए एक राजा चोल को इन्हें तो चोल राजा जो लाखों करोड़ रूपया खर्च कर रहे धनने रुपये ने पानी की जिन घुमा रहे और दूसरी तरफ में एक बिल्कुल समझो कि गरीब अनाथ ब्राह्मण तो वो भगवान की भक्ति कर रहे है तो मैं फिर भगवान पहला खुश हुआ। तो यह बात इसलिए बतलाई कि जिसके पास में पैसा नहीं है बंद कोई लाभ नहीं है जिसके पास माल नहीं मैं क्या जिगात किया ले तो माल पर ही जिगात है अब हमारे लोगों का रुपया है ना तो हमारे रुपया जैसे हमारे लिए लाभ है रुपया जिक्र अब जिसका गरीब है एक प्रकार से जब रुपया नहीं है बंद के लाभ है बंद कोई भी लाभ नहीं तो यह बात समझ लेनी चाहिए कि रुपया
रुपया आगे लाभ है कि वो पुण्य कर लो, दान दे लो, जग कर लो, एक उसे ये सब को लाभ। और जिसका गरीब आदमी है दंग नहीं है। अब देखो कि अठो जी अपना पुण्य धर्म और परोपकार या सिंधु की अन्न वस्त्र बांटा जा रहा है तो मैं काम के बीच के वहां दे दिया कि 1000 रुपया देना और एक गरीब आदमी दंग 5 रुपया लगावे तो मैं 5 रुपया को जितना फायदा हो सके जितना वो झार को नहीं हो सके। इस पर एक कहानी है कि एक राजा थो वो अपने गांव से गंगा जी के लिए हुए हो तो बाकी गांव से गंगा जी 100 कोस था। तो एक प्रकार से एक जाट है जिसको भी वहां के साथ में चले और उनकी प्रजा भी साथ में चली। इसलिए 1000 आदमी राजा के साथ में चला। देखो राजा जावे तो हरेक जगह आराम मिलसी तीर्थ यात्रा करना। राजा के साथ में तीर्थ यात्रा कर सना तो शुभ्र कुंड को सुनिश्चित रहसी। बोला राजा के साथ के बीच में कोई 1000 आदमी है जिसका सो गया जो भाई जी गया तीर्थ आगे वहां तो समझे 500-600 आदमी सागे गया रेल के वहां राजा के साथ में 1000 आदमी तो वो गया पैदल। जो पैदल यात्रा थी पैदल को ज्यादा मातम है तो पैदल जब गया तो एक प्रकार से वो अपने साथ में आटो ले लियो बांध कर निमक ले लियो क्योंकि आटो के मारे निमक डालकर रोटी पूरी खाई आपको और दो धोती एक तो कोट भी आते थी और एक तैरने की धोती एक ओढ़ने की धोती। इस वजह से एक जाट ऐसे उतनी चीज नहीं। थोड़ी दूर गए तो प्रातः काल ठंड पड़े थी बहुत ही ठंडी हवा चली तो वो एक गरीब आदमी दूजे तो खूब दूजे तो उन्होंने दया हुई तो मैं आपकी एक धोती मैंने उठा दी कि मेरे पास दो धोती है तो मैं एक से काम चला ली सू और आप गरीब एन एक धोती दे दो तो वो आपके पास एक धोती दे दो आज ही तो बांध दो आज ही ओढ़ दो अगला आटे की जो कोठ में जी की सागे ले लो हर एक जगह ठहरे तो रोज समझो कि आधा शेर आटो आपको खा ले और 10-15 कोस रोज चाले। तो इस तरह से थी वो राजा की भी सेना भी चाले और वो पैदल भी चाले और ये भी चाले। तो उस समय के बीच के मां समझो कि सबके ऊपर बादल जी का छाया करता हुआ चाले बादल जी का जिन्हें बोला कि ये बादल तो राजा साहब है बड़ा भाग्यवान है आंखें भी प्रताप से आता में भी छाया मिल रही है। तो कोई जगह जगह महात्मा थो वो बोले भी न मालूम कहीं को भागे कहीं को भाग से चाहे। दूसरा बोला है कि राजा के सवार दूसरे को भाग कहीं को होते तो फिर राजा बोले नहीं इसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो एक दिन पड़ाव डाल दिए और पड़ाव डाल करके फिर बोले एक एक आदमी चले सो निकल गए सो इस तरह से जाने लगा। सो वो बादल तो बढ़े गया और सूर्य सेना राजनी से निकल गया। एक आदमी वो धोती के दान करने वाले जो है ना जी के लटे सो लेट गए हारे थको थे नींद आ गई नींद आ गई तो बादल बठे बन गया तो ठहर गए। बादल ठहर गए तो राजा दो कोस पर पड़ाव डालोगे कि क्या आ गया ऐसा एक आदमी सुती गए तो से आ गया मेरे बने उठाकर जाओ बने उठाकर लाया तो बह के साबुन बादल आओ। अब बैठा करके वो डोरा दिया राजा के पास में तो बादल बैठे ठहर गए। राजा बोले कि भाई एक काम करो इन्हें कह दो कि तू आगे चल तो बादल ठहर गए तो अठो ठहर जिस तो ऐसे भाग को नहीं और नहीं तो और पुण्य आत्मा है तो मैंने वहां से विदा कर विदा करो तो वो दो को सागे गए तो मैंने सागे बादल गए। अब वो जागे जैसे ठहर गए भरे बादल ठहर गए तो ये निश्चय हो कि बादल तो ऐसे गैर है। जब राजा और सब लोग पूछे गए तो उसको के पुण्य धर्म करो बोले मेरे पास पुण्य धर्म करने क्यों पड़े थे मैं तो एक गरीब किसान हूं एक प्रकार से समझे कि नींद मजदूरी कर करके और मेरे पेट भरू। तो बोले भाई तू क्यों करेगी बोले मैं क्या करना था मैं तो घर से आए ना 8-7 शेर 10 शेर आटो बांध कर लाए तो रोज 8 शेर खा लू और कोई नहीं कहूँ नींद की पोटली वाली
तो नींद गाय के रातों में रोटी को नहीं मिल ठीक है। और जब औरतों मेरे पास दो धोती थी तो एक तो मैं बांधू एक आदमी बहुत तकलीफ में तो दूसरे तो प्रकार के बर्फ में ठंडी हवा चले थी बरखा बरस रही थी तो वह एक धोती बनी थी। मैं ये विचार करो कि दो धोती तेरे पास तो तेरे दो धोती में क्या है क्या जब ये तकलीफ पा रहे तो तू एक अभी दे दी एक धोती तो बने दे दी एक मेरे। अब महात्मा बोले कि देखो महाराज में एक धोती को प्रताप है तो बोले जी मेरे प्रताप राजा बोले ऐसा तो कैसे है बोलो ऐसा तो दो धोती थी एक रात करके सुख दे दियो तो राजन तू भी एक धोती रा कर सुख तेरे देना को ऐ के बराबर है गैल ने पक्के बच्चे जी को देख रही थी मैं कोई हिसाब लगाओ तो गैल ने कोई और धोती बची तो थे एक धोती रा के सारो सारो राज है जी को सब इस माफ से लगा देने जरा राजा बोले भाई ये काम तो कोई है तो आपने यह बात बताई कि गरीब आदमी की एक धोती को दान और करोड़पति अपने करोड़ रुपया को दान दोनों को बराबर है तो इसलिए संजय जी आपने गरीब आदमी के लिए आपने बहुत सुनिश्चित है और गरीब ने जितना जल्दी भगवान मिले इतना पीछा वाले नहीं मिले भगवान ने इतना जल्दी नहीं मिले। एक और भी बात मेरी याद आ गई एक आदमी ये चना जो है जिकाने रांध कर करके जिकाने अपन सुसवा करना वो भी क्या कर दो और समझो कि आपने खून से जिकाना पकाना खून से भी क्या कर दो तो खून से भी क्या कर दो एक कोई महात्मा थो महात्मा थो और बिना समझो कि आश्रम के बीच में गृहस्थी नहीं होकर सन्यासी थो तो उनके पास मैं भी जाया कर दो तो वो एक प्रकार से कि जाकर पूछो कि जल्दी से जल्दी भगवान कैसे मिले तो बोले भी दुखी आदमी की सेवा करने से मिले बोले ठीक है तो वो रोज जो है सो 2 रुपया रोज का रोजगार कर दो तो 1 रुपये तो अपने बाल बच्चा अगर अपने लिए मोटो खानो मोटो पहनो बल लग जाए तो उस समय 1 रुपये वस्तु जिसको दुखी अनाथ गरीब आदमी ने अब अंग बांट दिया कर तो एक दिन की बात है कि बहुत दिन बीत गया फिर वो गए कि महाराज में 12 महीना हो गया रोज 2 रुपया रोजगार करूं जिसमें 1 रुपये तो अपने खर्च के ना लगा दू और 1 रुपये दुखी अनाथों ने अपने बाकी अभी तक मैंने भगवान नहीं मिला बोला कि भी तुम दुखी अनाथ की सेवा नहीं करी होगी तुम बहुत दुखी जिक्र का अभाव है ऐसे गरीब आदमी की सेवा कर तो बोलो ठीक है फिर उसी प्रकार से वो सेवा करने लगे गरीब देख दे करके अनाथ देख दे करके रोटियां बांटे इस तरह से एक दिन की बात है एक लकड़ी बेचने वाले जो आदमी है सो सूखो काठ का जंगल से लाते शहर के नाम देश को 8 आना मैंने मिलता जी को अपने समझो की खा लिया कर दो एक दिन नजदीक की लकड़ियां सब निमर गई थी तो वो दूर से ले गए दूर जहां से सूखी लकड़ी तोड़ के लाए गए देरी हो गई तो दिन की 12 बज गई तो जीत को निमे तो इस वास्ते समझो की नीचे में तो भूमि के पर ऊपर से आकाश सब है तो मैं कोई जी गमेरे और जी गमेर कर वो झापड़ तो लकड़िया को वो जो जिको भी गिर गए और वो भी गिर करके बेहोश हो जो खूंटे बेचने वाले है सो नगर से 3 मील की दूरी के ऊपर मैं को बार गांव के मां घर थो तो वो खूंटे लेकर के आ रहे थे तो रस्ते के मां मैंने पड़े हुए देखे तो मैंने दया आ गई तो मैं एक प्रकार से समझो कि घबरा गए और मैं बेहोश हो गए मेरे सांस आए और मैं देखे भी तागड़े बाग धूप लग गई तो फिर वो थोड़े मैं मुंह में पानी डालो क्योंकि वो खूंसे बेचते तो बड़े सारे लोटे पानी को रखा कर तो मैंने 1 गिलास पानी उसे पिला दी और वो पी लिये और पी करके फिर आंख खोल के मैं कहीं देखियो परम भाषा इन्हें मेरी जान बचाई
फिर अपन बस हो गए बस लगा वो पहुंचा हो पूछो कि थोड़ा भजन कैसे चढ़ा खा लो मैं बोले कि हाँ तो मैंने पा बर्तना दे दिया अब वो पा बर्तना खा करके तुम दो और फिर और एक गिलास पानी पा दियो अब तो एक प्रकार से मैं बड़ा हो और बोले कि अब तो मैं सो काम मेरे कर ले से तेने मेरी जान बचाई अब ये काम करे कि वो जो मैंने उठा दो लिख लगो सो मैं जाकर शहर में बेच दू तो फिर मैंने वो भी उठा लियो अब वो शहर की तरफ चले गए शहर की तरफ जो मैं गैल से थी वो खूंचे उठाकर और पानी को लोटे उठा करके वो खूंचे बेचने लगे वहां से चालने लगे शहर की तरफ तो झट बड़ा भगवान प्रकट होकर के मैंने दर्शन किया भगवान जी मैंने दर्शन दिया तो एकदम जो मुग्ध हो गए खूंचे वो सब वहां छोड़ दिया हाथ जोड़कर साष्टांग भगवान के चरणों में गिर गए प्रभु अब मैं कहा कहा हंसू आ गया रोमांच हुआ कि हो कहा तो मैं कहा भगवान तो भगवान बोला कि भाई सच्ची सेवा आज मेरी हुई मैं गरीबा के जो मैं विशेष रूप से रहूं तो आज इसके प्राण चले जाते तो इसको दान नहीं देता तो इसलिए मैं तो आज मैंने प्राण दान दिया मैं तेरे पर खुश हो गया तेरी इच्छा से तुम वरदान मान बोले महाराज मैंने तो कुछ भी नहीं थी आपका दर्शन हो गया इससे बढ़कर कोई चीज है नहीं और मैं क्या मांगू आपसे तो बोला और तेरी इच्छा से मांग बोले प्रभु आपके मां मेरी अनंत भक्ति अनंत प्रेम बने रहे और आपका भजन गान हर वक्त से मेरे से बनता रहे और मैं जिन चाहूं जो भी आपका आप प्रकट हो मैं दर्शन दो भगवान बोले तथा भगवान ने कहकर अंतर ध्यान हो गया बस अब वो खून से लेकर के अरे मैं जो गौ महात्मा के पास में चरणों में गिर गए हंसे न हंसे और सुन लो कि अपने आंख में पानी दिया प्रेम का रोमांच हो गया अरे बोले बात क्या है बोले प्रभु आपने जो भगवान के दर्शन को जो रस को बताया तो आज भगवान का दर्शन हो गया बोले अभी किस तरह होगा तो वह सारी बात मैंने बतला बोले भी अच्छी बात है चलो काम सिद्ध हो गया कहने को जो अभिप्राय है कि दुखी अनाथ आदमी के ना भगवान विशेष रूप से है विशेष रूप से है तो एक पाव भर चना से बिना भगवान मिल गया तो वास्तव में पाव भर चना नहीं है वो भाव है और वो एक प्रकार से दुखी आदमी न दिए हुए को ऐसे ही महात्म है और वो गरीब आदमी तो ना देवी ही तो देवी जो गरीब है उनको इतना दान समझो कि लाख रुपया से बढ़ करके है तो इस वास्ते जो गरीब आदमी मेरे के लिए कोई लंबी लाग नहीं है लंबी लाग तो भगवान के लिए है कृषा वाला के लिए है और गरीब आदमी तो समझो कि एक रुपये दान कर दे और दूसरे जो करोड़पति लाख रुपया दान कर दे तो मैं तो एक रुपये जो लाख रुपये से बढ़ करके है तो एक बात तो स्वामी जी कही जी को जवाब दियो और दूसरी बात क्या थी असली घोषणा की एक दूसरे जो प्रसन्न थे कि जिस तरह से थी कोई स्त्री है और मैं को मन जो है सो संसार के मन को नहीं लागे और भगवान के मन भी को नहीं लागे बल्ले चाहे कि मैं एकांत में रह करके भगवान को भजन ध्यान करूं और बाहर जाती थी स्त्री और फिर यह बात कहो कि जो स्त्री जो है जिसकी अपने पीर वाला के साथ में या सास वाला के साथ में आए अकेली नहीं आए या कोई ससुराल को या पीर को आदमी साथ में आना चाहिए तो पीर और सासरा वाला खुद तो आवे नहीं और दोनों भिजे नहीं तो क्या भगवान के है एक प्रकार से पुरुष जी का स्वतंत्र भजन ध्यान करे क्या लुगाओं को ये अपना अधिकार खोने की एकांत में बैठकर आपको भजन ध्यान करे तो ऐसे के वहां यह बात पूछी तो ऐसे ये उत्तर है कि भगवान के मत तो सबको समान भाव से अधिकार चाहे कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो और चाहे विधवा हो चाहे सुहागन हो और चाहे बालक हो और चाहे वृद्ध हो मनुष्य मात्र को भगवान की भक्ति में अधिकार है सब कोई भगवान की भक्ति कर सके तो स्त्रियां भी एकांत के मां बैठ करके और आपको खूब भजन ध्यान कर सके दूसरी बात यह कि तीर्थों में आकर कर सके भी नहीं तो तीर्थों में भी आकर के कर सके यह बात और भी उत्तम है कि एक समझो कि आपने पीर का व ससुराल का कोई आदमी के साथ में आ रहे तो
अब नहीं तो ये कोई नहीं है कि मैंने कोई आपने कोई भर्ती करता कोई मना कर सके. अपने घर के भी इसके माँ अलग कमरे के माँ बैठ करके भी कर सके, तीर्थों के माँ भी आकर के कर सके. यह बात तो इसलिए कही जा रहा है कि अधिकांश के बीच की माँ अस्थिया स्वतंत्र फिरने से थी, अब वह एक प्रकार से फिरने की आदत पड़ जावे तो को पतन होने की ज्यादा गुंजाश है, क्योंकि अस्थिया में बुद्धि कम हो, भूल हो और विद्या कम की हो और दूसरे के फरेब में भरना आ जाए तो एक प्रकार से की को पतन हो जाए. तो सब कोई थोड़ी जावे, कौन कौन को हो भी जावे, तो ऐ बात में लेकर के यह बात कही जावे. फिर भी कोई स्त्री ऐसे आ जावे, अकेली आ जावे तो मैंने जगह भी दे जाए है और मेरे को प्रबंध भी करे जाए है और मैंने भजन गाने के लिए कही जाए करे भी है. गई साल में तो कई माई जो है सो ऐसे 12 महीना ही रही, कोई 10 महीना गई, 6 महीना भी रही, तो इस बार तो कोई भजन करने वाले के लिए कोई रुकावट नहीं है, किंतु एक नीति की बात है, मर्यादा की बात है. इसलिए यह बात कही कि अपने साथ के वहां कोई पीड़ित हुआ ससुराल को आदमी रहे, घर का रहे तो बहुत उत्तम बात है, बाहर एक अच्छी मर्यादा है, अच्छे कायदे. इसलिए और नहीं तो वास्तविक चीज की वहां तो जो कुछ चीज है सो एक आप भगवान के वहां जो भक्ति है प्रेम है वही प्रधान है. मीराबाई जो है जिसकी इतने राजघराने की होकर के ही अल्लाह संघ की दुनिया में भी जाती और भगवान की भक्ति भी करती, सत्संगति भी करती, इतनी जगह राम जी जो है इस बात के वास्ते नाराज रहता, किंतु मैं केवल लगन लग गई तो मैं के वास्ते फिर कोई लड़ाई थोड़ी है. मैं के वास्ते बात होगी सचिया बात तो कहे हाँ बोलो महाराज यो कह जी ठीक है. तो बोले भाई शुद्ध होकर के भजन ध्यान करना चाहिए, तो बोले आज से मैं शुद्ध होकर कर सू पच्चीस पैसा जाओ उस वक्त में मत के आ करके. तो बोले बहुत ठीक है. अब मैं तो ऐसी आदत नहीं वो कवे को भी बिना हो जबरदस्ती है जी अपने श्वास अपने हाथ ही चले जी अब रखे वो ऐसी आदत पड़ गई कि मैंने भजन करना नहीं पड़ा, ध्यान करना नहीं पड़ा, अपने आप ही भगवान के नाम को जप होते रहे, भगवान का नाम ध्यान है सो लाई है. तो एक प्रकार से थी अब मैं चुगली करना 2-3 गेल पड़ गया जब वो कटी जाए जब आपको एक हाथ से जीव पकड़ दे. मैंने कई दिन पकड़ के कटी जैसे तो अपने फिर आदत छोड़ दी थी, जिसमें जाके सुगली करी क्षेत्र ने यह शिक्षा दी कि तू राम राम मत किया कर ना, भगवान को भजन मत किया कर. आज ऐसी तो बुद्धि और भ्रष्ट होगी मेरे क्या तट्टी तो बैठ वो बड़े एक हाथ से जीव न पड़े. जरा बोले बुलाए क्या क्या बात है. मेरे महाराज यू क्या जी की बात सच्ची है तो क्यों करे. मेरे बात यह है कि मेरे भगवान के नाम को जब भगवान के स्वरूप को ध्यान को इतना अभ्यास हो गए कि किसी भी प्रकार से अपने बंद को नहीं हो. तो मैं जब करू ना जीवा से तो जीवा ने तो पकड़ लू कुछ बार जब को नहीं हो पर ध्यान तो वो भगवान को मेरे से छूटे को नहीं दे. वो ऐसे उपाय मेरे सामने को नहीं आएंगे ध्यान क्या करूं. अरे तो यहाँ को अभ्यास क्यों करो. मेरे यहाँ को अभ्यास में इसलिए करो कि मैं यदि मरूंगा तो मरने के व्रत में आदमी का टट्टी पैसा हो जाए तो मैं टट्टी पैसा हो जाऊंगा तो मैं व्रत में मर जाऊंगा तो मेरी दुर्गति हो जाएगी. तो इसलिए अपना जो भजन ज्ञान हर व्रत करो. अरे बोले तेरे लिए मनाई खोली तो हर व्रत करा करके समझा. तो ये जो तेरी चुगली करनी आदमी है जिसका मूर्ख है ये तो उनके लिए बना हुआ है कि घंटा आठ घंटा 24 घंटा हो गया जो शुद्ध हो गए करो. अभी कहे 23 घंटा चले मैंने बंद करने की जरूरत. इसी प्रकार से किया बात है कि मैं के वास्ते कोई मनाई नहीं. जैसे कोई स्त्री भगवान की भक्ति मीरा बहन की जो करे तो मैं के लिए कोई पाबंदी नहीं है. मैं तो समूह के लिए यह बात कही जा रहा है कि स्त्रियां स्वतंत्र नहीं होकर के फिर मेरा साथ होना कोई घर का पुरुष हो तो मैं साथ में
तीर्थ इत्यादि जाना ठीक है, अब कोई ऐसी भूत स्त्रियां है कि जिगर में पीर में है, कोई ने शास्त्र में, तो वह कठिन यार वैसे तो फिर समझो कि भगवान मालिक है तो वह के लिए फिर कोई मनाई कोई समझा। एक जो हिस्सों आपने बोला कि भाई एक बात है, एक आदमी जो है जिसको रसोई बना करके के अरे आपने भोजन किया कर तो मैंने कहे भाई देख एक रोटी आगे की एक रोटी पीछे की, ये दो रोटी है ना आगे पीछे की जिसकी एक प्रकार से आपने बदविश्व करना चाहिए और आपने भोग लगाना चाहिए और बाद की रोटी है सो आप खाए, तो बोले जी को दो ही रोटी पे जिखो तो ही दो लोगों के लिए कोई लाभ को नहीं, अपने के लिए कोई लाभ को नहीं। सही बात है कि जिक्र रात दिन भगवान को भजन करे अपने के लिए कोई कानून की लाग नहीं है, इसी तरह जिक्र श्री मीरा बहन की जो है वो के लिए कोई ऐसा पाबंद नहीं है, मेरे लिए कोई पाबंद नहीं। मीरा बहन तो असमझे इतने लोगों को भगवान के वहां प्रेम थे, अति अधिक प्रेम थे। देखो देव जो राम जी है बहनों को बहुत प्रबंध करे कि भाई या आपने सत्संग करे भजन करे बार बार दुनिया दिन जावे तो इस वास्ते अपनी बेइज्जती हुए तो इन्हें किसी प्रकार से मरवा जा नहीं तो एक प्रकार से ठीक हुए, तो मैंने मारने के उद्देश्य थी समझो कि वह एक दिन ऐसा बोला मैं ठाकुर जी के चढ़ाशो से बढ़िया बढ़िया मैंने फूला का हार मंगा दू तो फूला के हार की जगह समझो कि सांप मंगा दिया, अरे पिटारा में सांप बुरा सारा भेड़ा करके बंद कर करके अरे मैं सांप सफेदा जो है चार भी लिया जी का 20-30 रुपया दे दिया और मैं समय की टोकरी ले ली और लेकर के जब बढ़िया सोने का हार है नहीं फूला का हार है ठाकुर जी के वास्ते राणु जी भेजा ठीक है। अब सब पूजा की सामग्री ले गई जरा वह बांधी उठा के बने मिलेगी, अब मैंने खोल कर देखे तो सब फूला का हार हो गया, साफ था जिसका फूला का हार हो गया और वो गोविंद सब पर आया। अब राणा जी के पास वह खबर गई कि भाई मैं तो उससे फूला का हार हो गया, बोला कि ऐसी बात है अगर जाकर देख ले मंदिर में ठाकुर जी के सब तेराया पड़े सांप होता तो मैंने काट गया था तो मैंने बहुत आश्चर्य हो। दूसरे दिन बोली एक से या और तो को नहीं मिलेगा किन्तु इन्हें दिस बड़ो भारी जहर दे दी उन्हें जो बोल जैसी तो बड़ो कड़ो से जहर है मैं को प्यालो भर करके राणा जी भेजती हूँ तो वह प्यालो है आपको भगवान को नाम लेकर के पीढ़ी जो बीस है जी को अमृत हो गई। राणा जी बोले कि इन्हें क्या मारा, इन्हें बीस दे दिया तो मरे नहीं सांप भेज दिया तो मरे नहीं, तो बोले अपना नो तो केसरी सिंह है के जी को खोल दो के। तो केसरी सिंह ने अपने मंदिर की जो चारों चार द्वारी थी वह मैं पिंजरों ले जा करके मैं केसरी सिंह ने खुला दियो और बोले कि एक रस रख दो कि जी के जमा कर जाकर या भगवान की पूजा करे, तो पूजा की सारी सामग्री लेकर के अरे बड़ी खुशी के साथ मैं सो गई, खुशी के साथ में बने मेरे को नहीं तो अपने अकेली भक्ति थी भगवान के वहां तो एक ही गई वहां एक ही गई तो वहां एक जो भगवान को जो सभा मंडप है जो मैं भगवान विराजमान हो रहा है वह के आगे को जो बरंदे है सभा मंडप के आगे को मैं बरंदे में जाकर के वो सिंह बैठ गई। अब वह पूजा करने के वास्ते आई तो वह बैंक की बुद्धि दूसरी बात देखी वो आज तो भगवान ने जी का नृसिंह रूप धारण करके आया है वह वहां से दंडोत शुरू करी बोले प्रभु प्रभु आज तो साक्षात प्रत्यक्ष में से प्रकट होकर के दर्शन दिया आज मेरा अनुभव आ गया, सो फिर मैंने नमस्कार करके अर्पण की सो पूजा करने शुरू करी ओम पादो पादं समर्पयामि नारायणाय नमः ओम हस्तिवर्गं समर्पयामि नारायणाय नमः इस प्रकार से खूब प्रेम से पूजा करी और भगवान के तिले काटा और आपने समझो कि तुलसी चढ़ाई पुष्प चढ़ाया माला चढ़ाई और खूब भगवान की आपने पूजा करके स्तुति करके जैसे रोज करे जैसे और ज्यादा प्रेम से करी बुरा प्रत्यक्ष भगवान आ गया पूजा करके आपकी चले आई।
چلیے قرآن جنجا کے ہو گئے تو وہ سنگ تو چھوڑ دیے تو پر سنگ کی تو وہ تو پوجا کرنے لاگر سنگھ مجھے سے پوجا آپ کی کرائی ارے میں پنگا میں دھوک کھا کر کے ارے سو آگے نہیں آؤ بھائی تو ارے بولے مورکھوں کے لیے یہ بات ہے بولے چال کر دیکھ لو آگے دیکھے تو سنگھ کے گلے میں مارا پڑی پڑی تیل بڑا بڑا مجھے بڑا جن کے وہ تم سے پڑی تو بولے پھر بھی جا کر کرکا ہوا مجھے تو میں کہ بھکتی کے پرتاپ سے میرا کی بھکتی کے پرتاپ سے میں نے کوئی بھی روکڑی نہیں تو جیسے آپ نے رامائن کے جی کی بات میرا میں گھٹی گل سودا سم اری تو ہو جا رہے یہ بات جو اسے میرا پرتکش کر کے دکھلا دی اور ایری میں وہ بیری ہے جی کو میں کوئی کیسی ہو جاوے تو وہ رام جی جو میں وہ دیر ہے سو آنکھ میں میں کی بھکتی نے دیکھ کر کے اور وہ ایک دم میں کہ تڑا پڑ گئے ارے پرکار سے میں کہ متم ہو گئے تو ایک بھکتی کی مہیما ایسی ہے بھکتی کو پرواہ ایسا ہی ہے تو خیال کرنے کی بات ہے کہ وہ ایک پرکار سے کی رات میں محل میں سوتی تو کوئی کوئی وقت کے بھی چمک بڑا پریم آتا تو سمجھتی گانو بجانو نت کرنو ناچنو یعنی گھوگڑا باندھ باندھ کر کے اور بھگوان کا اگر ناچتی تو بھگوان کا وہ پرگٹ ہو جاتا پرگٹ ہوتا ہے ہر سانس دونوں بولتا ہے بات چیت کو کرتا تو باہر کا جو پہلا دار ہے وہ جا کر کے خبر دی رانا نے رات کی 12 بجے کہ محل کے میں کوئی دوسرا پرش ہے ارے یہ تو معلوم نہیں کون ہے پر ہاں ساتھ کر کے بولے تو بڑی بہت رام جی آیا وہ ایک محل تو چاروں طرف ناگی تلواروں کو پیرو لگ رہے ہوئے اور کوئی بھی آپ اور دوسرے کوئی نہیں بہت بھاری پیرو ایک رانا جی کی طرف سے رام جی اکواڑا کے کنے کان لگا لگا کر کے سنا تو یہ تو سنے کہ کوئی بولے دو آدمی کنتو یہ بولے یہ بات سانپ کو نہیں سنے ہنسے جی کو سنے اور گالے جی کو سنے سب سنے تو میرا اور ایک تو میرا اور ایک کوئی آدمی اور ہے تو جڑ میں کمارا کا دھکو دیا جوڑ کو دھکو دینے کے ساتھ کمار کھل گیا اور بھگوان انتر دھیان ہو گیا اور خالی میرا سو آپ نے بیٹھی بھجن گاوے جا کے رام جی بولے کہ میرا اچھا ایک اور تیرا کے آدمی ہاں سانس بولے وہ کرے گا بولے کرے گا دیکھ لو محل جی کو دیکھ لو اب محل میں سکھ رہے تھے کہ محل میں بھگوان کیسے ملے پر بولے کہ تم بتا بولے بتاؤں کیا کوئی بخش اپرادھ کو نہیں وہ ماں گال دی کوئی آدمی تو محل میں ہو نا تو چاروں طرف سے محل میں دیکھ لیو کٹھے کو نہیں ملے جنا بولے کہ بھی کوئی اپنا بھرم ہو گیا کہ چلو 5-7 دن کے بعد پھر بھائی گھٹنا جہاں سیب پیرا گھر جا کے پھر وہ بات کرے ہو بڑی دیر تک کان لگا کر سنتے رہے ٹھیک جی آپ سے میں بات کرے ہاں سہ سے کہ اسے اور شہر سے میں دھکو لگا دھکو لگانا تو بھگوان انتر جان ہو گیا خود کو سے پھر بولا جی اب آج تو میں بری بات سے سنو خری آپ سے میں بات ہوئی تو وہ کون آدمی تھو دوسرو بولے دوسرا آدمی کون میں ہوں اور دوسرا سر کوئی آدمی کیا آ سکے باہر میں تو ناگی تو لگا رہا ہوں پیر ہے راو تو جائے کی نہ کر کے بدھ چکت ہو گئی کیا بات ہے میں تو ساچی بتایا بات تو کوئی ہے تو کوئی جادو کرے ہے یا کوئی آدمی نے غائب کر دیا ہے کیا کرے تیر میں کہ بجے تو گزرا جناب آپ بولی کہ سچی بات یہ ہے کہ ساکشات بھگوان میرے محل میں آئے ہے اور میں آیا تھا پھر دھکو دیا نا جناب بھگوان کا سنتر جان ہو گیا جناب وہ رونے لگ گئے پہنا پڑ گئے بولے میں بڑے بھاری پاپ کرے ہو کہ تیرے اس میں بادہ ڈالتے رہے میں پھر ایک پرکار سے ٹھیک ہو کو شیر کھو کر کے آپ نے سوڑے ہو تو یہ بات سچی ہے کہ جو بھگوان کی بھکتی کرے تو بھگوان کی بھکتی روپی منی کے پروار سے تھی دس کھا لے تو وہ امرت ہو جائے اور سنجو کی بیری ہے جس کو متر بن جائے تو
इस तरह से जिज्ञासा को भाव है। मैं के लिए तो कुछ भी नहीं है, मैं के लिए तो समझो कि घर में भी खड़ा रहे तो मैं तो बचा भी है, समझो कि तीर्थ है, मैं तो खुद ही तीर्थ रूप है, तो मैं तो ज्यादा जैसे तीर्थ है। महात्मा लोग तीर्थों में क्यों जाते हैं कि तीर्थों को पवित्र करने के वास्ते। एक समय गंगा जी जो है जिन्हें जब भगवान ब्रह्मा जी प्रकट करी और कहे तू मृत रूप में जाकर के जीवों को उद्धार कर, पापियों को पाप नाश कर, यही भगीरथी गंगा। एक प्रकार से गंगा रोने लग गई तो ब्रह्मा जी बोला कि बेटी तू रोए क्यों है? बोले मैं पितामह जी इसलिए रोऊं हूँ कि आप मैंने बैठे को के तू जा और तेरे में स्नान किसी जगह पाप नाश हो जासी तो मेरे में सारी दुनिया का पाप इकट्ठा हो सी तो फिर मैं कैसे जी दराशू, मेरे क्या हाल हो सी? बोले जा कोई चिंता मत कर, एक भी कोई महात्मा तेरे में आकर स्नान कर ले सी तो तेरा सारा पाप स्वाहा हो जा। तो महात्मा लोग तीर्थ क्यों जा रहे कि तीर्थ बनाने के लिए जावे, तो इतनी वहां की शास्त्र के में महिमा है। तो इसलिए एक प्रकार से समझो अपने गंगा जी को जो इतना महात्म है उससे भी महात्मा को और बढ़ करके महात्म है। तो आपने एक बढ़िया बात सुना, अब जो बात सुनाई ना वो तो सुनाई भगवान की भक्ति की, अब मैं सुनावा हमारे स्वार्थ। अब की बार बहुत सी माता बहनों ने भाइयों ने एक प्रकार से बहुत मैंने मदद करी। क्या मदद करी? जैसे बहुत ही आदमियों ने जिस दिन वो कमरे की बात सुनाई थी ना, एक दिन यह बात कही थी कि एक आदमी समझो कि 2500 रूपया लगाकर एक कमरों बनाए, और वो आज जो कमरों बना है और एक साल सत्संग आपने हुआ है, और एक साल में सत्संग में कई भाई बुआ और वो हो कई भाई ठहर कर सत्संग सुन जाए तो मैंने एक प्रकार से लाभ हुए। किंतु दीदी आज कमरे बनाने को वो ऑर्डर दियो और इतने में आप कमरे भी बना दियो और मैं कमरे के बीच के वहां समझो कि आप फिर आप मर गया सत्संग होने को नहीं, तो मैंने तो सत्संग होने से ज्यादा लाभ हुआ नहीं, मैं निमित्त यदि बढ़ा दी और काम में को नहीं आया तो क्या हो? जैसे राजा मर्द जो है अरविंद केसरी रोने लग गई तो भगवान नाराज हुआ क्यों है? बोले कि इन वास्ते मैं रहा हूँ कि मेरा जो लड़को है जिसको आधे तो सिंह के काम आ जाए और आधे के अपराध के काम में को नहीं, इन वास्ते मैं रहूं तो चीज काम में नहीं आ रहे तो बनाने वाले तो बनना छोड़ गए। तो कमरे आज बना ले जिसको भविष्य के बीच में काम आने पर मैं को फायदा हुए और अगर दिखा दिया ना मुझे कमरा दे दिया मैं बन गई है और वे आपके कमरा में जितो त्याग कर दे जिसको एक प्रकार से वे कमरा बनाना ना वह से भी बढ़ कर मेरे को फायदा है। क्यों फायदा है? कि वो तो आपको हाथ को हाथ लाभ उठा लियो आपके कमरे में 5000 रूपया सस्तियां उतार के दे, यह तो प्रत्यक्ष बात है। तो इस विषय में बहुत आदमी मैंने मदद करी तो गुण तो गाना चाहिए कम से कम। या आपने समझो कि सूर सिंह जी लेडी वाला है, कई आदमियों ने बार बार ठहरा अभी ठहरा है। या आपने आनंद राम जी जाना है तो वे आपने समझो कि संख यहाँ के जो गस्से आपने मूल में लिखे माजी बाबा ने ठहरा और भी आपने आदमी ने ठहरा और इसी तरह से थी। आज की बात है कि आज प्रहलादरा जी आया अब तो ये गीता भाई और सीता भाई ये उन्होंने अलग अलग दो कमरा था ना तो उन्होंने ये बात सुनी थी तो वो बोले कि मैं तो एक ही कमरे में साल लिखा और एक दे दो बयान है तो वो एक कमरे का दो भाग करा, मैंने दो भाग को मतलब गैल को भाग आगे को भाग, तो आगे का जो भाग है जो प्रहलादरा जी ने दिया गैल को भाग है जिसको भाई है जी की आई बहने दियो तो वो भाई दो चार दिन रहे फिर सारे कोई खाली वजह से बदल दे सब कोई बात नहीं। तो इस वजह से एक नहीं अभी और एक तो अवसर कैसे आ गई तो मैंने भाई अपने चिन्ह जिला जी है
પછી એમને છેતારે ઘરમાં રાખું. ફર આપણે સોચા ગયા તો ઈશ્વરે લોકનાથજીને કહ્યું, બોલો ઈશ્વરે આપણે ભાગલપુર કા દૂર ડેરા આયા હૈ, એક તો મોતીલાલી કો હૈ, એક યહાં પર રાધરાજી ઓર હૈ, તો છે યહ કબડો ખરા હો ગુજાઉં કો તો દે દો. તો બોલો કે એક કબડો દે દીજા. તો મોતીલાલી ને બેઠે બેઠે જાઓ ઓર એક બતાયા આપને ઈ તરહ થી એક નહી અબ કારણ કઈ આદમી હાંસ વાંસ કરકે બડી પ્રસન્નતા કે સાથ કે બીચ કે એક સમજો કે લોકનાથજી તો બરા એક જણક આદમી હૈ, બરા મેં સમજો કે કઈ કમરા ચાહીએ બના કે આદમી ભી છોટા બડા કહેતા બોલ કરકે દસ બારા હોગા. ઓર સાવિત્રી ભાઈ આયેલી હૈ બંબઈ સે, જો એક પ્રકાર સાહેબ જી કી મના હિ કને હૈ, તો મેં કઈ કને પાંચ આદમી હૈ, યુ કે કોઈ પંદર બીસ આદમી હોગા, તો એક એક કમરે મેં આપકો કામ ચલા કે ઈસવી પ્રસાદજી ને બોલા કે મારે તો દો કમરા બહુત હૈ. તો તરહ સમજો આજ આપણે લાડુરામજી તાપડી આયા થા, મેં બોલા કે મારે તો દો કમરા બહુત હૈ, મુજે આદમી બોલા સર ક્યાં સર ઓર એક પ્રકાર સે બચ્ચી સારે કે તો દો બના કે ભાયા કે દો બના કે તો એક પ્રકાર સે બોલા કે મેં તો એક કમરે મેં સારી સી નહી એક સારે દોનું ઘર મેં તેતીસ આદમી બાઈસ એક ના ગયાર આગે આપ સોચો સ્થિતિ બરા આદમી જીકા ભી અસાધારણ સ્થિતિ જીકા ભી એક બડો ત્યાગ સ્થિતિ આપણે કષ્ટ સહ કરે કે રહે રહે સબ દેખ રહ્યા કે ઈશ્વર સત્રહસો આદમી એક સત્સંગ કે વાસ્તે ટીચા હુઆ હૈ બધાને આપણે સબ મિલકર કે મદદ કરો. તો આ વાત આપ પ્રત્યક્ષ દેખો પ્રેમતા સે એક વિષય મને મદદ કર્યા. તો યા એક મારે સ્વાર્થ કી વાત આપને બતાવી, એ તો મારી બેસતી હતી કોઈ મેં કીધું લે લો ખબર મિલકે જી પ્રેમ ગયા. તો એક રેલ કે ડબ્બા મેં બીસ આદમી સમજો જા સકે જયારે આપસી કો બહુ પ્રેમ નહીં હોય સમજ નહીં હોય તો બડે મુશ્કેલ હોય. તો શું એટલા પ્રેમ આપસી નો સબકો રહે કે ઘર કહેશો કે બળ કર તો બડે ક્યાં લાગે આદરાજી ને જો આગળ કો ભાગ લે લો ગેલ કો બધાને જાઓ પેલો કોઈ બી આઠ કોઈ વાર તો ચાહે જીતી થોડી સે થોડી દેર હો સબ આદમી આપકો બડો ઉત્સાહ દિખા રહે. અબ સમય હો ગઈ હૈ સાડે દસ જ્યાદા સે જ્યાદા બધ ગઈ આપણે પકડા. તો ઉસને ક્યા ક્યા કે ઉસ સાપ કો માર કરકે ઉસ મેંઢક કો છુટા દિયા. તો મેંઢક બડા ખુશ હુઆ, મેરા બડા ઉપકાર ક્યા. તો ઉસ મેંઢક ને ચાર લાલ જે લાકર દઈ, જો જીની કિંમત કરીબ લાખ રૂપિયા કી હૈ. ઉસે પોખરે કે કઈ આપણે પડી થી કીચક મને કીચડ મેં, તો મેં કીચડ મેં સે નિકાલ કરકે વો ચાર લાખ દઈ કે મેરા પ્રાણ બચાયા. તો એક પ્રકાર સે મેં ઇસકો કુછ પુરસ્કાર દઉં. તો ઉસને સોચા કે યે ચાર લાખ મેરા પા રહેના સે દૂસરે લોગ ખોસ લેંગે. તો ઉસને ક્યા ક્યા કે આપણે જાંગ ચીર કરકે ઉસકે માં વો રખ લી. ઉપર સે થી મેંઢક ને વો સમજો કે આપણે દાંતો સે ઉસકો ટાંકા દે દિયા, જેસે ડાક્ટર દે દિયા કરતા હૈ. તો એક પ્રકાર સે ઉસકો મિલા દિયા જાંગ, અર વે ચારો લાલ ઉસકી જાંગ કે માહી રહે. તો ઉસે ગાછ કે ઉપર સમજો કે એક કોવા જો હૈ કાગલા વો રહેતા થા, ઉસને દેખ લી. વે એક પ્રકાર સે સમજો કે પડ્યા હુઆ થા કાગ. તો ઉસને યે બાત તો દેખી કે ચાર લાલ મેંઢક સે મિલે, અર યે દેખ કરકે ઉઠ ગયા. અર વો એક ફગ જો હૈ ના ઉસી કા વો કાગલા થા, વો ચાર લાલ કહાણ કી ઇસ બાત કો વો દેખને નહીં પડા, પહેલા ઉઠ ગયા થા. અર ઉસકે બાદ મેં વો ચાર લાલ અપની જાન કે માં રખ લી. ઉસકે બાદ કે માં ફિર વો ભી અપને વહાં સે ચલ દિયા.
जिनमें चला रात्रि में चला, जिनका तो भूखा तो था ही, इस प्रकार से एक दूसरे ग्राम जा पहुंचा जो ठगों की नगरी थी। उस नगरी में ठगी से झगड़ा करते, तो जो ठगनी है उसके पास जाकर के उसे कोई ने सब बात कह दी। और उस ठगनी का जो बाप है भाई है वे ठग थे ही। अब इन्होंने खत्यंतर रचा, ये रचा खत्यंतर कि उसका जो भाई है वो और उसका बाप ये दोनों उसके पास पहुंचे, जिसकी जान में चार लाल है, और जाकर के बहुत खातिर करने लगे कि आपको मालूम है कि नहीं, मैं तो आपका ससुर लगता हूँ और ये आपका सहरा लगता है, ये मेरा बेटा है और हमारी लड़की है, तो आपके दर्शनों के लिए बहुत ही लालायित है, वो घर के ऊपर है, आप आगे बहुत ही अच्छा काम किया। तो बोले अभी मेरा जो विवाह हुआ था, मेरी स्त्री तो हमारे घर पर है, मेरी माँ हमारे घर पर है, हमारा बाप मर गया, तो एक प्रकार से यहाँ आपके यहाँ मेरा विवाह हुआ था, ये तो मुझको कोई ज्ञान नहीं है। बोले ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, आप जब बच्चे थे ना छोटी अवस्था में उस वक्त में अपने शादी हो जाया करती थी, शायद आपको ज्ञान नहीं है, आपकी आयु मेरी लड़की की आयु दोनों की समान ही आयु है, जबकि आपकी उम्र है कोई 12 वर्ष की थी। तो बोले 12 वर्ष के लड़के के भी बात तो याद रहती है, 12 वर्ष की उम्र में मेरा कोई ऐसा विवाह हुआ हो ऐसी बात तो मेरे ख्याल नहीं। तो बोले हम क्या झूठ कहते हैं, और झूठ भी कहें तो कोई आदमी भी अपना जवाई क्यों बनाएगा किसी, उसके मन में आई कि भाई क्या मालूम ये कहते हैं तो 12 वर्ष की उम्र न होगी कि 10 वर्ष की हो गए, और साथ कोई अच्छा चलो तो सही आगे जाकर के मालूम हो जाएगा, आगे गए तो आगे वो औरत बनी बैठी है। बोला कि इतना बरसा मैं न तो आपके पिताजी ने मुझको बुलाया न आपने बुलाया, क्या भूल ही गए हमारे को, लेकिन हमारे को ख्याल ही नहीं है। बोले आपको ख्याल क्यों रहे, ख्याल तो हमारे है। तो फिर खूब बढ़िया रसोई मूंग भात करके और समझो दूध और जलेबी और खीर ये खूब बढ़िया बढ़िया उसको रसोई जमाएगी, जैसे जमाई को जमाई जाती है। उसने सोचा कि ये ससुराल कहां से निकलेगा, किंतु उसके समझ में यह बात नहीं आई। रात्रि के समय अपनी स्त्री के पास वो सोने के वास्ते गया, तो उसकी स्त्री ने कहा कि तुम्हारे पास चार लाल है वो दे दो उसको। बोले मेरे पास तो कोई लाल है ही नहीं, वो झूठ बोल गया। बोले नहीं, फलाने तवाल के ऊपर एक मेंढक ने तुम्हारे को चार लाल दी, उस वृक्ष के नीचे तुम बैठे थे, ये पक्की बात है। हमारे यहाँ सिखलाए हुए पढ़ाए हुए कवि रहते हैं, उन्होंने ये हमारे को खबर पहुंचाई, तो लाल तुम्हारे पास में चार जरूर है, तो तुम दे दो नहीं तो मैं तुम्हारे को मार डालूंगी। तुम जानते हो ये नगरी ठगों की नगरी है और मैं ठगनी हूँ, और आपके पास में जो गया मेरा भाई तुम्हारा सारा बनया, और मेरा बाप गया जो आपका ससुर बनया, न तो कोई आपका सारा न ससुर न मैं आपकी लुगाई, ये तो ठगों की नगरी में तुम फंस गए। उसने कहा कि हम आपको सत्य कहते हैं कि हमारे पास कोई लाल और नहीं है। तो बोले नहीं है तो मैं तुम्हारे को जान से मार डालू, मार के फिर तुम्हारा सब ऐसा तलाशी करूंगी। बोले तुम पहला ही तलाशी कर, मारने के बाद तुम्हारे को क्या मिलेगा, मारने के बाद तो तुम्हारे को पश्चाताप ही होगा, तो इससे मारने से क्या लाभ है। बोले नहीं, जो भी कुछ हो एक मैं बिना मारे एक प्रकार से नहीं छोड़ूंगी, या तो चार लाल दे देंगी तो तुम्हारे को मैं मार डालू। वो छुरा निकाल करके उसके छाती के ऊपर बैठ गई,
کہ یا تو تم چار لال دو میں مارتی ہوں گی. اس نے کہا کہ کیا وہ مار ڈالو, لال تو میرے پاس ہے نہیں. تم جس پرکار سے تھی, ایک راجا جو ہے باز کو مار کر کے پچھتایا تھا باز پکشی کو, ایسے تم یہ سب پچھتاؤ گی تیری کسی مار ڈال. تو تھگنی نے پوچھا کہ اچھا وہ ایک پرکار سے راجا باز کو مار کر کے کیسے پچھتایا تھا یا کہیں مجھ کو تم کہے. تو ایک پرکار سے وہ آپ نے اس کو بیٹھا کر لیا, خود بیٹھی ہو گئی اور اس سے سننے لگی کہ تم بتلا. اس نے کہا کہ ایک راجا تھا, وہ ہوا خوری کے لیے سنجھ کی آپ نے جنگل کو گیا, اور ساتھ میں اس کی بہت بھاری سینا تھی, کنتو اس کا گھوڑا بڑا تکڑا تھا, تو گھوڑ بن کے جیت کے ماں آپ نے چلا گیا اور سینا تو پچھو کو رہ گئی. آگے جا کر کے اس کو بڑی تپاسا لگی. جیٹھ کا مہینہ تھا, دھوپ پڑتی تھی, تو ایک وکش کے نیچے اس نے اپنا ڈیرا ڈال دیا. اس کے ساتھ میں ایک باز پکشی رہا کرتا تھا, وہ ایک پرکار سے ساتھ ساتھ اڑا کرتا تھا. اس کی چال بھی گھوڑے سے بڑھ کر تھی. تو راجا کے پاس میں ایک تو گھوڑا ہے اور ایک باز پکشی ہے اور ایک راجا ہے, ان کو بڑی بھاری پیاس لگی. تو برش کے نیچے چھا کے وہاں راجا بیٹھا ہے, اور برش کے اوپر سے تھی کچھ جب ایسا گر رہا ہے, سب کا جڑ کا چھانٹے گر رہی ہے. اس نے اپنے گھوڑی کے اپنے نیان میں سے گھوڑی کا جو ایک اپنے جو گون ہوتا ہے اس میں سے ایک چاندی کا پیالہ نکالا اور وہ اس کے نیچے رکھ دیا. وہ طبقہ بھرنے لگا, طبقہ بھرتے بھرتے وہ قریب آدھا یا پورن ہوا ہوگا. تو راجا دیکھا کہ اب میں اٹھا کر کے پی لوں تو میری پپاسا مر جا ہے. راجا پینے لگے, اس کے پہلے ہی اس نے باز نے اپنے پانکھوں کے پھٹکار سے تھی راجا کے ہاتھ سے اس کو گرا دیا. تو راجا کے من میں کرودھ آیا کہ دیکھو یہ تو میری جان لینا چاہتا ہے, میرا پران جا رہا ہے پیاسے کا, اور جب کہیں بھی لگی تو یہ اس کو گرا تو گرا دیا. من میں کرودھ تو آیا, کنتو باز پکشی پرانا ہے بول کر کے اس کو کھما کر. پھر ایک ایک سب کا جیسے گرتا پھر جو اکٹھا کرنے لگا. جب وہ آدھا بھرا ہوگا تو باز پکشی نے دور لگا کر کے اسے دوسرے دفعے بھی گرا دیا. گرا دیا تو راجا کو آیا کرودھ. اس کے پاس میں پستول تھی تو پستول مار دی, باز پکشی مر گیا. نارائن 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 شریمل نارائن 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 شریمل نارائن 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 نارائن. ஆனந்தா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 ன